अच्छा, मेरे को अब ये भी बता दीजिए आनंद, आपको चिंता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, मार्केट में कहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉशियस है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी है वहीं से सबसे ज़्यादा कॉशन होने की ज़रूरत है। तो इस वक्त फाइनेंशियल स्पेशली एनबीएफसी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बबल टेरिटरी में, मार्केट बंद होने में अब ज़्यादा समय नहीं है मिहिर, लेकिन 2 से 2 मिनट के अंदर ये चीज़ तो बिल्कुल तय है कि मार्केट ने जो रिबाउंड किया है वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एम्यूनेशन बचा के रखिए, लेकिन ये बात आनंद वाली बात भी सही है कि वाली बात भी ठीक है के बाद क्या करेंगे कि एम्यूनेशन बचा के फायदा भी क्या अगर बाजार टूट जाए। फिलहाल बाजार इस समय मिहिर के हक में ज़्यादा है क्योंकि बाजार चल गया, अगर ये 50 पॉइंट नीचे होता तो आनंद टंडन की बात ज़्यादा ठीक लगती है। खैर कोई बात नहीं, मार्केट तो क्या चलता ऐसे ही है कि जब भी 50 पॉइंट चले तो आप तेजी के पॉइंट देखने लग जाते हैं। तेजी दिख कहा रही है एक बार ये भी देख लेते हैं, तेजी दिख रही है आपको चाय की कीमतें बढ़ने से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है, वैसे वे साइक्लिक है, इसको इंटरेस्ट रेट का ज्यादा मतलब भी नहीं है, ये तो ग्लोबल पैरामीटर से चलता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो आनंद ने ये बात कही कि एनबीएफसी पे फर्क पड़ेगा, नो डाउट वहां पे आके फर्क पड़ सकता है क्योंकि जितना आप लोन सस्ता करेंगे, जितना इकोनॉमी में क्लेरिटी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, एनबीएफसी जल्दी जल्दी बेनिफिशियरी होते हैं उसके, शायद वहां पे थोड़ा सा भी दबाव होगा। लेकिन ऑटो एंसिलरी ठीक इस समय चल रहे हैं, आज जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर भी काफी स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखा, ज्यादातर शेयर इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर आके क्लोज कर रहे हैं। ये मार्केट का वो फेस है जब एक घंटे के अंदर हमने इंट्राडे लो भी टेस्ट किया और हम इंट्राडे हाई की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, तो बाजार दिन उच्चतम स्तरों की तरफ भी आ गया है। सीमेंट कंपनीज में आज काफी स्ट्रांग मूव आया है, कल का एक छोटा सा ठहराव था लेकिन आज फिर से एसीसी अंबुजा जैसे शेयर्स दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास बंद होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आज एनर्जी शेयर्स के अंदर भी काफी स्ट्रांग मूव था। आज सरकार ने इंजीनियर्स इंडिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि जो 6 अलग अलग कंसल्टेंसी वाली कंपनीज हैं उनको भी मर्ज कर दिया जाएगा, इंजीनियर्स इंडिया भी यहां पर तेजी से ऊपर आते हुए दिखा। इसके अलावा जो आज के हीरो बनते हुए दिखे या जिन पर नतीजों का असर था वो साफ साफ रेमको सिस्टम पे था, जेएमडीसी, भारत फोर्जेस के नंबर खराब आए, ये दिन के निचले स्तरों पर आके बंद होता दिखा। इसके अलावा अगर आप देखें जिन पे असर दिख रहा था उस पॉलिसी इंपैक्ट वाले शेयर्स भी थे, क्योंकि पॉलिसी का असर उस लिहाज से तो नहीं आया जहाँ पे आपको 0.25% कट चाहिए था, लेकिन हाँ फिर भी एक पुल बैक ट्रेड या फिर ये सहानुभूति के साथ कि हम आगे कट हमको मिलेगा और जो स्टांस है वो क्लियर हुआ है नोटबंदी को लेकर, ये एक चिंता जो क्लियर थोड़ी सी थी वो क्लियर हुई है अब आरबीआई की तरफ से कि 13 मार्च के बाद आप कम से कम लिमिट्स के साथ नहीं चलेंगे, इसलिए बैंक्स, ऑटोस और रियल एस्टेट इन सब के अंदर मूव आते हुए दिखा जो कि सबसे पहले इंपैक्ट दिखाते हुए दिखते हैं और इसके अंदर हमको मूव आते हुए दिखा। एक बार फटाफट से हीरो और जीरो शेयर भी देख लेते हैं, आज जो शेयर चले उसमें आप देखेंगे कोपरान के जो नंबर्स है उसके बाद स्ट्रांगली मूव यहां पर आते हुए दिखा है। इसके बाद एसपीएमएल इंफ्रा ऐसे शेयर्स भी आज कुछ एक चुनिंदा मिड कैप शेयर्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं थेमेटिक स्टोरी होती है, दिन के उच्चतम स्तरों पर आज ये क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। सीएनसी कंस्ट्रक्शन उसमें से एक है, ये करीब 10% ऊपर जाके बंद हुआ है और बाजार पूरी तरह से अब बंद और आज हरे निशान में क्लोजिंग मिली है, 6 अंकों की बढ़त। ये 50 पॉइंट की गिरावट अगर आप आधे घंटा पहले मार्केट को देख रहे थे तो दिख रही थी, लेकिन आधे घंटे में ही बाजार ने रिकवरी दिखाई, हालांकि 8800 को पार तो नहीं कर पाया लेकिन हाँ कल जिन लेवल्स पे था ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे ये आके बंद हुआ है। तो बाजार ने पॉलिसी का जो नेगेटिविटी है ये कह सकते हैं कि शायद उसको एडजस्ट कर लिया अपने इसी नंबर्स के साथ। बिल्कुल एडजस्ट तो कर लिया लेकिन अब देखिए जो टर्नओवर है वो आज फिर से थोड़ा थिन था, 3 लाख करोड़ से कम का ट्रेड हुआ है और भले ही हरे निशान में बंद हुआ हो या फिर निफ्टी बैंक ने भी नीचे से एक पुलबैक दिया हो, लेकिन जो आनंद कह रहे थे वो बात अगर अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है तो वो देखना होगा। लेकिन आनंद मैं आपके पास आता हूँ, वृंदा आपकी लास्ट कॉमेंट्स क्या होंगी? सारे जो लॉजिक है वो हमने सुन लिए, अब रेट कट नहीं हुआ दैट्स अ फैक्ट एंड वी हैव टू लिव विद इट, दोज़ हु आर होपिंग फॉर इट, आपके फाइनल कमेंट्स क्या हैं? ये तो इकोनॉमी के मैक्रोस पे डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन कैसा चलता है, कैसे निकल के आता है और ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट का भी बहुत अभी अनसर्टेंटी है। लेकिन एक क्लैरिटी जो बढ़कर आई है कि डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट हम देख सोच रहे थे वो अभी फोर्थ क्वार्टर तक खत्म हो जाएगा, तो इकोनॉमी विल बिकम नॉर्मल बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट टू एंड ऑन। ठीक है बिंदा, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आनंद एक लास्ट कमेंट आपका, ये देखिए मार्केट के अंदर जिस तरह का मूव आया है आप कॉशियस तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि बाजार जिन लेवल्स पे है वहां पे चिंता अब नहीं होगी वैल्यूएशन को लेकर क्योंकि स्ट्रांग बजट बेस है। देखिए चिंता वैल्यूएशन की होनी चाहिए, एक चीज आप समझ के रखिए बाजार अपने रुख से चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सही हो जाता है। 2008 में बाजार बहुत तेज था, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद जोर से गिरा नहीं। तो बाजार बहुत ज्यादा बेकूफी करता है, इस वक्त भी बेकूफी कर रहा है,
आप सीधी सी बात है, आप सीमेंट जैसा एक क्षेत्र ले लीजिए जहां पे सबको बड़ी ये भावना नजर आ रही थी कि अर्निंग्स ग्रोथ होगी। अब हमको ये बताइए रिजल्ट में आपको कहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हुई? इक्का दुक्का कंपनी छोड़ के अगर आप कोई देखें तो कहीं भी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं। प्राइस भले ज्यादा तेज है, तो प्राइस और वैल्यू में दो बहुत अलग चीज है। और मोमेंटम के हिसाब से आप चले तो डेफिनेटली मैं भी बाजार में लॉन्ग हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट बैठा हूँ, लेकिन सीरियस बात है कि बाजार इस वक्त ये संभावना नहीं देख रहा है ढंग से कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी होगी। इस साल भी मुझे नहीं लगता कि आप डबल डिजिट ग्रोथ देख सकते। ऑल राइट, चलिए आनंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ब्रजेश, आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या हैं आज जिस तरह की क्लोजिंग है? देखिए मेरे जी, मुझे लगता है कि मार्केट का एक पॉजिटिव रिव्यू ये रहेगा कि अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होने वाला था तो भी वो डिस्काउंटेड ही था, बट निचले स्तर पे जो सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को 8700 या 8650 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये इस दायरे में और कंसोलिडेशन करता है 8700 से 8800 के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप एक बार निफ्टी को 8850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखें, और हो सकता है कि जहां से करेक्शन आया था 8968 का लेवल वो रीटेस्ट होता हुआ दिखे। ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये निफ्टी की आज की क्लोजिंग आपके सामने, थोड़ी देर पहले आप वो ग्राफिक्स भी देख पा रहे थे जो सुबह 7:30 बजे आप देखते हैं, फास्ट शेयर्स के अंदर 50 शेयर्स के अंदर 50 शेयर जो टारगेट हिट करते हैं। लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हमारे संवाददाता अनुराग ने सवाल पूछा था और सवाल काफी अहम है, उस पे डिप्टी गवर्नर ने क्या जवाब दिया है सुनते हैं। सर, जब हम खबरें देखते हैं जहां तक बताया जाता है कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो पुरानी करेंसी है, तो कई बार लोग बता खबरें आती कि 98% पुरानी करेंसी आ गई, कई बार बोलते कि जिससे ज्यादा भी आ गई। तो सर आप एक बता सकते हैं, क्योंकि पिछली पॉलिसी में बताया था कि पुराने नोट कितने वापस आ गए हैं, तो अभी तक का वो आंकड़ा बता पाए? और सर जिस तरह से बैंकों के अंदर और बैंकिंग अधिकारियों के बीच में गड़बड़ी हुई है, तो एक आम आदमी का भरोसा जो है बैंकिंग पे थोड़ा कम हुआ है, तो उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे आप एक आम आदमी के लिए कि अभी भी जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है बैंकें हैं वो एकदम सुदृढ़ है और एकदम ठीक से है? ये एक तो आपको पूरी तरह आश्वासन देना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक की तरफ से भारत की बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल सुदृढ़ है, और अगर कोई दो चार घटनाएं इधर उधर हुई हैं तो उनको लेके एक ऐसा कयास करना कि बैंकिंग पद्धति में कमजोरी आ गई है ये सही सोचना नहीं होगा। आपने जो बात कही वो भी अगर आप देखें कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में कितनी शाखाएं हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ केसेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत केसेस हुए, लेकिन अगर आप पूरा उसका अगर विस्तार देखें तो मेरे ख्याल से इनका जो प्रतिशत है वो बहुत नगण्य है, वेरी वेरी नॉट सिग्निफिकेंट। एंड इन ऑल दोस केसेस, उन सारे केसों में कार्रवाई की गई है, काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, और आम तौर पर अगर देखा जाए तो जो आम आदमी के लिए बैंकिंग व्यवस्था ने इस पूरे 2 महीने के पीरियड में जिस ढंग से ड्यूटी से बढ़कर काम किया है, मैं सोचता हूं कि आप सब लोग, हालांकि ये कुछ केस आप जरूर बोलते हैं और बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जो मेजॉरिटी है जिन्होंने इतना जुड़ के अपनी ड्यूटी के बाहर काम किया है उनके प्रति भी कभी कुछ प्रशंसा किया करें। सो वो तो बात हुई, आपके जो दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न वो आंकड़ा उसकी काम चाली है, और आप समझेंगे कि देखिए पूरे देश में 4000 करेंसी चेस्ट हैं, इसके अलावा रिजर्व बैंक 19 जगह करेंसी रखती है, इन सारे चेस्ट और रिजर्व बैंक के बीच में करेंसी का आना जाना होता है, तो ये सारी जब 30 दिसंबर के पश्चात एक मोटे तौर पे जो हमने सब बैंकों को कैलकुलेट करने के लिए कहा था, उसके बाद रिजर्व बैंक की टीम ने भी उसको सैंपल बेसिस पे उसकी चेकिंग की है, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है, अकाउंटिंग खातों से जो कैश फिजिकल है उसका रिकन्सिलेशन जारी है, तो ये काम आशा करते हैं हम कि अगले कुछ समय में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो अभी भी ओपन एंडेड हैं, जो अभी भी खुली रहेंगी, क्योंकि जो कुछ समय शुरू में कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो कैश लिया था और जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश दिए हैं, तो नाबार्ड उस बारे में काम करेगा, तो वो आंकड़ा हमें अपने खाते में लेना होगा। हमारे देश के नेपाल और भूटान के साथ जो अरेंजमेंट हैं, जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कुछ करेंसी नेपाल और भूटान में होगी,
जिसे भी हमें अपने आंकड़ों में लेना होगा। और इसके अलावा 31 मार्च तक और 30 जून तक ये अभी जो विंडो है ये अभी भी खुली हुई है जिसमें कि लोग अभी केस दे सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के और इसके पश्चात ये आंकड़ा हम जरूर जरूर बताएंगे। लेकिन जो एक फाइनल वेरिफिकेशन होता है पीस टू पीस, ये तो आप जानेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी आई है, इसमें अपना समय लगेगा और वो फिर ड्यू कोर्स में बताया जाएगा।